जय हिंद साथियों, उन महिला अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है जो 1600 मीटर दौड़ में पीछे रह रही हैं। 1600 दौड़ यानी 8.5 मिनट के अंदर लगाना है। बहुत सारी महिला अभ्यर्थी का ये सवाल रह रहा है कि सर मैं कभी दौड़ी नहीं हूँ, मेरा सांस फूलता है, मेरे एड़ी में दर्द रहता है। तो मैं भी यहाँ पे बच्चियों को दौड़ा रहा हूँ, मैं भी जब बच्चियों को दौड़ा रहा हूँ उस दौरान बहुत कुछ समझा हूँ उनको। तो सबसे पहली गलती महिला अभ्यर्थी ये कर रही हैं कि जो बाराती जाने वाला जूता है उसको दौड़ने में यूज़ कर रही हैं। जो जूता पहन के लोग बारात जाते हैं वो जूता पहन के वो दौड़ लगा रही हैं। तो सबसे पहली गलती तो ये है कि आपको जूता का सिलेक्शन पता होना चाहिए। मैं किसी भी जूते की कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए जब मैं दौड़ने जा रहा हूँ तो मेरा जूता का सिलेक्शन क्या होगा। सबसे पहले आप जूता बढ़िया ले लें। बहुत सारी जूता आते हैं, मान लो आपको सेगा ही पहनना है तो सेगा में कंफर्ट ले लो। अगर आपको सेगा नहीं पहनना है उसी रेट में बढ़िया जूता तो कलेंजी ले लो। डिकैथलॉन एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन मंगवा लो। उसके बाद ट्रैक स्टार ले लो, पीट्स ले लो, बहुत सारे जूते हैं जो आप पहन सकते हो। अब मैं ये एनालाइज किया हूँ महिला अभ्यर्थियों में कि इन लोग दौड़ना चाहती नहीं है और कोई भी रेगुलरिटी नहीं है इनके अंदर, इसलिए इनका टाइमिंग जो है भाग रहा है। अभी तक एक महीना मेहनत करने के बाद भी टाइमिंग समय पे नहीं आया है, ऐसा कमेंट में महिलाओं ने लिखा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो रेगुलर नहीं रह रही हैं। जो भी कारण हो, कारण तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रेगुलर रहने की जरूरत है। सुबह शाम, सुबह में एकदम लॉन्ग रनिंग और शाम में नॉर्मल रनिंग करना जरूरत है उन महिला अभ्यर्थियों को जो SSC GD की तैयारी कर रही हैं। उसके बाद ज़्यादातर महिलाएं क्या हैं कि बाहरी सामान खाती हैं। गुपचुप खाना बंद करो, सबसे पहले चाट खाना बंद करो, चौमिन खाना बंद करो। मतलब ये जो फूड है, बाहर का जो खाना है वो बिल्कुल अवॉइड करेंगे, नहीं खाइए। अरे 10 दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी, 10 दिन मत खाओ। और तैयारी पे विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनेस्टली चाह रही हो कि आप भर्ती हो जाएं या आप सही तरीके से फिजिकल पास करें तो आपको ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अभी भी। और थोड़ा सा ईगो को कम करो। अगर आप ग्राउंड में जाती है तो आप किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, नहीं दौड़ रही हूँ, लोग क्या कहेगा, ये सब स्टाइल रहता है थोड़ा इन लोगों का। लोग कुछ नहीं कहेगा, लोग ओनली सफलता देखता है। नहीं दौड़ पा रही हो, धीरे धीरे दौड़ो। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी आदमी आता है फर्स्ट ऐसे फाड़ के दौड़ना शुरू करता है, नहीं। कोई भी आता है तो नॉर्मल रनिंग स्टार्ट करता है। और आप तो पढ़ी लिखी लड़की हो यार, आप तो पढ़ाई कर रही थी, आपकी गुनाह क्या है? आप तो डायरेक्टली ग्राउंड में आई हो, ये रूट चेंज करके आना हुआ। और रूट चेंज करके आने के बाद अगर आप फिजिकल में फेल कर जाती हैं तो समझिए कितनी बड़ी बेइज्जती है उन माँ बाप को जो आपको जन्म दिया है, कितनी बड़ी बेइज्जती उसको है जो आपको पढ़ाया है। अभी वो लोग कह रहे हो कि ये रिटर्न निकाली है, फिजिकल पास करके ज्वाइन करेगी और आप फेल कर जाओगी तो कहीं की नहीं रहोगी। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लड़कियों को पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वो ध्यान दे कि थोड़ा सा, मान लो सर में दर्द हो रहा है तो ये ज़्यादा मेहनत करने से भी सर में दर्द होता है, ठीक है ना? तो उसके लिए नींद पर्याप्त मात्रा में लिया करो। रात में भी पूरे रात सो, दिन में भी 2-3 घंटे नींद मार लो, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। और जो लड़की का थाई पकड़ रहा है, ठीक है, शीन पेन हो रहा है, इन सब के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा दवा मत खाना, क्योंकि लड़कियों को दवा खाना मैं नहीं बताऊंगा। मैं बर्फ़ से सेकने के लिए कहूंगा और बर्फ़ से सेकने पे ही आपकी इलाज हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा आपका बॉडी। तो वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और जो भी महिला अभ्यर्थी है कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके लिए आगे वीडियो लाऊंगा और आपके लिए बेहतरीन होगा। जय हिंद, जय भारत।